इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ बॉलीवुड खबरों की तरफ। पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी डग सुकेश से अपने कथित रिश्तों को लेकर चर्चा में है। ईडी की जांच में सामने आया है कि सुकेश ने जैकलिन और नोरा फतेही को लाखों रुपए के गिफ्ट्स भी दिए। अब नोरा फतेही और सुकेश चंद्रशेखर के बीच कठिन व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई है। नोरा और सुकेश के बीच की कठिन चैट्स का खुलासा किया गया है। इस चैट में आपको बता दें कि नोरा सुकेश के साथ महंगी कार के बारे में बात कर रही है। चैट में सुकेश चंद्रशेखर नोरा से रेंज रोवर कार के बारे में पूछता है, क्या तुम्हें यह पसंद आई? इसके जवाब में नोरा ने लिखा, हाँ यह एक अच्छी रफ यूज कार है। इसके बाद सुकेश कहता है, मैं तुम्हें और ऑप्शन भी दिखाऊंगा और कॉल पे बात करने की बात कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी एजेंसी यह नहीं सोच रहे होंगे कि यह गिफ्ट क्यों दिया गया है। मैं ये साफ कर देता हूँ कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको गिफ्ट देते हैं, केवल इसका यही कारण है और कुछ भी नहीं। इधर ईडी का दावा है कि नोरा फतेही को सुकेश ने महंगी बीएमडब्ल्यू कार दिसंबर 2020 में गिफ्ट की थी। इसके बाद नोरा फतेही से ईडी ने पूछताछ भी शुरू कर दी। इसी के साथ नोरा ने यह भी दावा किया है कि वह किसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, बल्कि वह खुद इसकी शिकार हो गई है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही सुकेश चंद्रशेखर से मिली कार को नोरा फतेही से जब्त भी कर सकती है।